हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेजेडी लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजेंट के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रीजेंट्स के बारे में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे फर्स्ट रीजेंट है ग्रिगनार्ड रीजेंट, जिसको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ग्रिगनार्ड रीजेंट जिसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है आर एम जी एक्स एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। यहां पर आर क्या है, यहां पर आर आप ले सकते हैं कोई भी एल्किल ग्रुप, या फिर आप ले सकते हैं एरिल ग्रुप, और यहां पर हैलोजन हैलाइड है। तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला RMgS होता है। इसके बाद में दूसरा देख ले, ल्यूकॉस रीजेंट जिसको कहा जाता है ल्यूकॉस अभिकर्मक क्या होता है, और ल्यूकॉस अभिकर्मक का फार्मूला और रिएक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ल्यूकॉस रिएजेंट होता है कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का 1:1 मोलर रेशियो क्या कहलाता है, ल्यूकॉस अभिकर्मक कहलाता है। और इसका प्रयोग किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहलों को डिफरेंशिएट करने में। इसमें आपको बताया गया है ल्यूकॉस टेस्ट में कि जो टर्शरी एल्कोहल होता है वो ल्यूकॉस रीजेंट के साथ में टर्बिडिटी बहुत जल्दी बना लेता है, अप्रॉक्स 20 से 30 सेकेंड में। और अगर सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी फॉर्म करता है, और प्राइमरी एल्कोहल ल्यूकॉस रीजेंट के साथ में नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, मीन्स टर्बिडिटी फॉर्मेशन नहीं करता है। इसके बाद में देखते हैं थर्ड नंबर पर हिंसबर्ग रीजेंट जिसको कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, इसका यूज करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को डिफरेंशिएट करने में। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता क्या है, बेंजीन रिंग पर SO2Cl, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं C6H5SO2Cl, इसका नाम हमने आपको बता दिया है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रीजेंट कहा जाता है, और इसका यूज किसमें करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट हम आपको बता दें मॉलिस रीजेंट जो कि मॉलिस टेस्ट में यूज कर लिया जाता है। मॉलिस रीजेंट क्या होता है, जिसको कहा जाता है मॉलिस अभिकर्मक। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य परीक्षण होता है वो मॉलिस परीक्षण कहलाता है, मॉलिस टेस्ट कहलाता है यहाँ पर ये, और उसमें यूज करते हैं मॉलिस रीजेंट का। तो मॉलिस रीजेंट या मॉलिस अभिकर्मक का यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सामान्य परीक्षण में, और वहां पर टेस्ट में वायलेट कलर आता है, बैंगनी रंग आता है। तो यहाँ पर मॉलिस रीजेंट आप सीखने जा रहे हैं। तो मॉलिस रीजेंट होता क्या है, ये होता है 10% सॉल्यूशन ऑफ
अल्फा नेफ्थॉल इन एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में अल्फा नेफ्थॉल का 10% विलयन मॉलिस अभिकर्मक कहलाता है। तो मॉलिस अभिकर्मक में आपने ये सीख लिया। अब अल्फा नेफ्थॉल क्या होता है वो आप देख लीजिए। बेंजीन रिंग को आप दो बेंजीन रिंग को आप ऐड कर देंगे जिसको नेफ्थलीन कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर OH लगा हुआ है तो ये हो जाता है अल्फा नेफ्थॉल। अगर OH इस सेकंड पोजीशन पर होता तो उसको बीटा नेफ्थॉल कहा जाता है। तो अल्फा नेफ्थॉल ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बीटा नेफ्थॉल क्या होता है तो OH की पोजीशन सेकंड नंबर पर बढ़ा देंगे आप। ये OH अगर आ जाएगा तो इसको कहा जाता है बीटा नेफ्थॉल। तो आप ध्यान रखेंगे कि मॉलिस टेस्ट में किसका यूज करते हैं, अल्फा नेफ्थॉल को यूज करते हैं। 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल इन एथिल अल्कोहल, जिसको आप क्या बोलते हैं, मॉलिस रिजेंट, मॉलिस अभिकर्मक कहा जाता है। इसके बाद में आप सीखेंगे फिफ्थ नंबर पर नेस्लर रिजेंट, नेस्लर रिजेंट जिसको कहते हैं नेस्लर अभिकर्मक। सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये क्वेश्चन पी ब्लॉक में आया भी हुआ है नाइट्रोजन फैमिली में कि अमोनिया की रिएक्शन अगर नेस्लर रिएजेंट से कर दिया जाए तो क्या बनता है। मिलन्स बेस बनता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जिसके लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वहां से। तो नेस्लर रिएजेंट होता क्या है, नेस्लर रिएजेंट होता है आयन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। आप ध्यान रखेंगे K2HgI4 एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन में दिया था K2HgI4 प्लस KOH। तो यहाँ पर एल्कलाइन सॉल्यूशन है, KOH बेस है, ध्यान रखेंगे आप नेस्लर रिएजेंट को। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर सिक्स नंबर पे कि एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया जिसको अम्ल राज कहा जाता है, ये कई एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो एक्वा रेजिया एक ऐसा केमिकल है जिसमें प्लेटिनम और गोल्ड मेटल भी डिजॉल्व हो जाते हैं। कितना भी हार्ड एसिड हो उसमें भी प्लेटिनम और गोल्ड मेटल डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन एक्वारेजिया में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये होता क्या है, कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। इसमें 3 मोलर पार्ट कंसंट्रेट HCl का होता है और 1 पार्ट होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का। मींस आप कह सकते हैं 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वारेजिया। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग के मिश्रण को अम्ल राज कहा जाता है। इसके बाद में एक और आप देख लेंगे लास्ट, जिसमें आप देखेंगे बेयर्स रीजेंट क्या होता है। बेयर्स रीजेंट, बेयर अभिकर्मक, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में इसका यूज कर लिया जाता है, असंतृप्तता परीक्षण में जिसको कहते हैं बेयर अभिकर्मक या बायर अभिकर्मक कहा जाता है। तो ये क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का क्षारीय और ठंडा विलयन क्या कहलाता है, बेयर रिजेंट कहलाता है। आयन एल्कलाइन एंड कोल्ड KMnO4 ऑफ वायलेट कलर सॉल्यूशन, वायलेट कलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड बेयर्स रीजेंट। क्षारीय और ठंडा के MnO4 बैंगनी रंग के विलयन को बायर अभिकर्मक या बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। MCQs में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें।